today we are going to introduce a brand new segment on Sports Zone called From the Field, where we are going to get you all the latest buzz from various games right from the ground. In this edition, we bring to you the basics and the nitty-gritties of mixed martial arts. Check out the special coverage by our correspondent, Preeti Priyadarshini. Hello viewers, welcome to the new segment of Sports Zone From the Field. And today we are at Bidang MMA and Fitness Center. And here we can see a lot of things happening actually. We will try to talk with the coaches, the candidates here, the members and everyone related to MMA, which actually means mixed martial arts. Try to enter the ring now. And this is the coach here. We will directly go to talk to him. Hi, welcome. Welcome to Sports Zone. From the Field is our new segment. And we are here for the first episode. What actually happens at Bidang MMA? A little bit about Bidang MMA. How many candidates come here every day? And what are the walking time like? When do they come for practice? A little bit more about Bidang. बिडांग एम एम ए एंड फिटनेस जिम हम लोग बेसिकली यहाँ पे एम एम ए ट्रेनिंग करते हैं, एम एम ए और क्रॉसफिट ट्रेनिंग। यहाँ पे अराउंड 500-600 एक्टिव मेंबर्स है और हम लोग यहाँ पे एम एम ए ट्रेनिंग करते हैं, जो प्रॉपर प्योर एम एम ए ट्रेनिंग, जो नोटिस में बहुत मतलब कम होता है, और उसके बाद हम लोग क्रॉसफिट करते हैं। अभी जो एम एम ए का जो सीन है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आपको कैसा लगता है? हाउ इज़ इट लाइक सी, व्हाट इज़ द सीन ऑफ एम एम ए इन द होल नॉर्थ ईस्ट रीजन? एम एम ए एक ग्रोइंग स्पोर्ट्स है जिसका अभी बहुत अच्छा मतलब गेम चल रही है नॉर्थ ईस्ट में भी, इंडिया में भी। पहले तो नहीं था एम एम ए, अभी नया एस एफ एल आने के बाद स्टार्ट हुआ है, और मैं भी एस एफ एल में गुजरात टीम का कैप्टन हूँ, तो इसीलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी एम एम ए के लिए। एम एम ए मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, क्या क्या होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स में? लाइक यू डू किक बॉक्सिंग एंड किकिंग, लाइक व्हाट हैपेंस एक्चुअली? मतलब सब आर्ट का मिक्स कॉम्बिनेशन है, लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग, बीजेजे, मोई थाई, किक बॉक्सिंग, एवरीथिंग। यहाँ पे सब कुछ का ट्रेनिंग एक साथ होता है, और फाइट में भी आप सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। मे बी वी कैन सी हिमसेल्फ डूइंग द सेम थिंग्स एज ही हैज सेड। आप थोड़ा दिखा दीजिए कैसे होता है। You can see viewers, it's really dangerous, never try at home. They are professionals. कितने दिनों से ये स्टार्ट किया है आपने? When did it start? पाँच साल चल रहा है बिडांग में फिटनेस जिम का, पाँच साल चल रहा है। आप लोगों का क्योंकि यहाँ पे दो सेल्फ डिफेंस भी यहाँ पे होता है, लाइक जो जो खास करके जो सीन है, द सीन इन नॉर्थ ईस्ट और इन एज ए होल इन इंडिया, लड़कियों के लिए भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू हैव सम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। तो इसके बारे में आप अपने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसके ऊपर में आप क्या बोलें, कितने लड़के आते हैं, लाइक हाउ मेनी गर्ल्स डू दे कम हियर? एम एम ए सेल्फ डिफेंस के लिए बेस्ट है क्योंकि हम लोग एम एम ए में स्कोरिंग नहीं सिखाते। नॉर्मल स्पोर्ट्स में क्या होता है, वो लोग स्कोरिंग के लिए फाइट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं डैमेज के लिए करते हैं। सो एम एम ए इज़ बेस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, नंबर वन। नंबर टू, एम एम ए में ग्राउंड गेम है, आप लोग कोई गिरा रहा है, आपको कोई ग्राउंड में लेके जा रहा है, तो उसमें उससे आपको कैसे बसना है वो सब एम एम ए में सिखाते हैं। बीजेजे बोल के एक आर्ट है, तो यहाँ पे काफ़ी लड़के हैं जो कर रहे हैं यहाँ से सेल्फ डिफेंस। और रेशियो कैसा है, मतलब लड़का लड़की का भी रेशियो कैसा है? डेफिनेटली इंडिया लड़का का ज़्यादा है, इंडिया में तो वैसे ही है। फिर भी लाइक हाउ मेनी गर्ल्स, कैसे कितने आते हैं आपके यहाँ पे टोटल? 30% गर्ल्स है, 70% बॉयज़ है। कितने दिनों से आप यहाँ पे खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? 3 years. It has been 3 years. What are you finding? Like earlier, did you have any interest in kickboxing or we can say mixed martial art?
No, I didn't know it existed, and I actually joined for self-defense, but as time went on, like, I got more interested. When did you realize that you should take it very professional? Because you have said earlier, first you had taken this as a form of self-defense. Maybe after 1.5 years. Yeah, one of the trainers encouraged me to join the competition, so I joined and I liked it. I actually lost my first match, that's why I got really frustrated. And I continued. Failure is the pillar of success, they say. Maybe that worked out. Yeah, yeah, it worked out. How does it feel like learning MMA for self-defense and learning MMA for competitions? Any difference do you find in it? Yes, I feel strong and I feel confident, and it's very good for girls. They should actually join. What would you say to our girl viewers or viewers as a whole? Because a lot of parents are also watching our Sports Zone from the field section. So what would you say to them? Would you say like they should come for self-defense to learn MMA wherever they are? Yes, I definitely encourage them to learn MMA, and because it's very beneficial and they can learn a lot. Like, it helps you so much, I can't even explain. Like, they have to know for themselves, you know. Directly हम यहाँ पे आके आते हैं अब फर्स्ट डे प्रैक्टिस ही किकबॉक्सिंग या कुछ से स्टार्ट होता है बट रियल सीन क्या है मतलब जब पहले क्रॉस एक्सरसाइजेस होता है या डायरेक्टली वो कर सकते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं जैसे आप लोग देख रहे हो ये फाइटर्स पार्टी है ये लोग सारा फाइटर्स है ये लोग प्रोफेशनल फाइट्स करते हैं वहाँ पे जो है वो बेसिक पार्टी है और लास्ट में जो है फिटनेस पार्टी है तो सबका अलग अलग ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं फर्स्ट फेज होता है उसमें बेसिक है हम लोग कैसे उसमें क्या क्या होता है व्हाट आर द थिंग्स हम लोग प्रॉपरली सिखाते हैं कि एक्चुअली पंच को कैसे मारना है किक को कैसे मारना है ये सब हम प्रॉपरली एकदम परफेक्टली सिखाते हैं बेसिक्स में कितना टाइम लगता है लाइक हाउ मेनी हाउ मच टाइम डिपेंड्स ऑन मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कोई 1 month 2 months में कवर करता है कोई 3-4 months में भी जाता है और उसके बाद सेकंड फेज क्या सेकंड फेज एडवांस में आ जाता है जैसे ये लोग कर रहे हैं बेसिक इंटरमीडियम एडवांस तीन चीज़ है तो उसमें हम लोग कभी कभी बीच में भी रखते हैं नहीं तो कभी अगर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको डायरेक्ट हम एडवांस में लेके आते हैं ये लोग जो प्रोफेशनल फाइटर्स हैं दे गो फॉर कॉम्पिटिशन्स लाइक ये सब सारा कॉम्पिटिशन के लिए रहती ओ व्यूअर्स लेट मी टेल यू हम यहाँ पे वी आर एट अ वेरी सीरियस जोन एंड दिस इज द प्रोफेशनल फाइटर्स जोन वी विल ट्राई टू ऑल्सो गो टू द बेसिक्स जहाँ पे स्टार्ट होता है द इनिशियल स्टेट ऑफ एमएमए कैन यू सर प्लीज शो अस वो हम लोग का फाइटर्स का ग्रुप था ये आप लोग बिगिनर्स ग्रुप है यहाँ पे कोई अगर ज्वाइन करता है पहले हम लोग क्या करते हैं उसको सिखाते हैं कि कैसे किक मारना है कैसे बॉक्सिंग मारना है जैसे मैं अगर ज्वाइन करूँ तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा और 3 months भी नहीं चाहिए किसी किसी कोई कोई तो 1 month में कम्प्लीट कर देते हैं बाकी सबके लिए सब जगह में यू हैव डिफरेंट ट्रेनर्स यहाँ पे ट्रेनर सबका अलग अलग है वहाँ पे अलग अलग है ये हमारे बेसिक ट्रेनर है एल्विन एंड दिस इज रितेश दोनों प्रोफेशनल फाइटर्स है नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है ये जो बेसिक सारा जो भी बेसिक का क्लाइंट स्टूडेंट्स हैं ये लोग ये सब हैंडल करते हैं सो वी विल ट्राई टू टॉक विद द ट्रेनर्स ऑफ द बेसिक्स सेक्शन आल्सो अभी कैसा है मतलब यहाँ पे सब लोग आते हैं लड़कियाँ लड़की सब लोग लड़के लड़कियाँ सब आते हैं अब बेसिक से ही होता है जो फाउंडेशन होता है यहाँ का तो ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है लाइक द फाउंडेशन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसा है मतलब कितना टाइम लगता है लोगों को सीखने में क्योंकि कई कई लड़कियाँ जिससे मेरे जैसे भी आते हैं टोटली अनप्रोफेशनल कुछ भी नहीं मालूम है जैसे किकबॉक्सिंग या एमएमए के बारे में तो इफ़ एक एकदम फ्रेश कैंडिडेट आता है तो आप लोग कैसे डील करते हो बेसिक से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली पंचेस हो गया बेसिक्स पंचेस किकिंग ये दोनों ज़रूरी है बेसिक सो फर्स्ट बेसिक करना बहुत ज़रूरी है अभी हम अगर किस दिखा सकते हैं मतलब कैसे आप लोग सिखाते हैं यहाँ पे बेसिक्स में जैसे हाँ ओके सो दिस इज़ द बेसिक सेक्शन ऑफ बिदांग एमएमए एंड यू कैन सी दे आर वेयरिंग इसको क्या जो हाथ में पहने हुए ये पेड है थाई पैड ओके अच्छा फ्रेश
फर्स्ट डे जो पहला दिन होता है उस दिन क्या सिखाते हैं लाइक किक वो दिन आप लोग क्या करते हैं एयर में हम लोग किक मारने देते हैं जो पेट में मार रहा है नॉर्मली हम लोग जो स्टार्टिंग डे थे उसमें हम लोग ऐसे नॉर्मली सिखाते हैं कि कैसे खड़ा होना है कैसे पांच को खोलना है कैसे किक को खोलना है ये सब हम सिखाते हैं What would you say about your career? आपने बहुत आपका नाम है कि आप बहुत अच्छे कर रहे हैं इस जो MMA में तो what would you say about your career? Like how did it all happen? कैसे हुआ सब कुछ Actually मेरा इंटरेस्ट है बचपन से यहाँ पे तो MMA नहीं था तब तो जब मैं SFL में गया तब मैं उसके बाद नोटिस में थोड़ा MMA को थोड़ा लोग जानने लगा पहले तो वैसे मैं दूसरा मार्शल आर्ट करता था फिर मेरे को SFL से कॉल आया फिर मैं SFL ज्वाइन किया अभी तो मैं करेंटली गुजरात टीम का कैप्टन हूँ तो मेरा अभी करियर सही चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि नोटिस गुजरात टीम का कैप्टन है तो आपको दिक्कत नहीं डू यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी लाइक क्योंकि वहाँ का कैप्टन है यहाँ पे भी आपको टाइम देना पड़ता नहीं ऐसा नहीं है मैं वहाँ का कैप्टन हूँ मेरा ट्रेनिंग सारा ट्रेनिंग जिम इधर ही है तो मैं बस फाइट्स के टाइम में मेरे को उधर जाना है फाइट करना है फिर वापस आना है मेरे को उधर रहना नहीं है मेरे को मैं इधर ही रहता हूँ ट्रेनिंग भी इधर ही है मेरा स्टूडेंट्स भी इधर है क्लास भी इधर सब कुछ इधर ही है मैं बस कैप्टन गुजरात का हूँ क्योंकि नोटिस का टीम नहीं है तो इसलिए मैं गुजरात का कैप्टन हूँ नॉर्थ का टीम कब तक नॉर्थ का पता नहीं अभी वो तो हम बोल नहीं सकते कि कब बनेगा मगर देखते हैं अभी कोई ऐसा स्पॉन्सर भी होना चाहिए नॉर्थ में जो नॉर्थ में एक्चुअली क्रिकेट को छोड़ के बाकी क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ के बाकी भी कोई भी इंटरेस्ट है व्हाट वुड यू से लाइक रिगार्डिंग द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव रिगार्डिंग दिस थिंग्स बिकॉज हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग हो या MMA हो या किसी दूसरा जैसे एक्सेप्ट फुटबॉल और क्रिकेट यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है नो इंटरेस्ट इन अदर गेम्स अदर देन क्रिकेट एंड फुटबॉल सो व्हाट वुड यू से रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट आपने किसी को बोला है कि इसको अप्रोच क्या है क्या रिगार्डिंग बहुत पहले तो बहुत अप्रोच किया अभी छोड़ दिया मुझे पता है कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है इसीलिए मैंने छोड़ दिया अभी और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग क्रिकेट ही खेले सब लोग फुटबॉल ही खेले हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है और सबको रिजल्ट सही है मगर वो लोग पहले कुछ मतलब हेल्प नहीं करते बस एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द ईयर उन लोगों को रिजल्ट सही है कि आप लोग क्या रिजल्ट लेके आए हो अगर कोई गवर्नमेंट अभी मेरे को हेल्प नहीं सही है मैं इंडिपेंडेंट हूँ मैं खुद का कर सकता हूँ एक जो नया लड़की या लड़का स्टार्ट इन लोगों को हेल्प सही है सपोर्ट सही है तो ये लोग तो गवर्नमेंट कुछ करता नहीं है क्योंकि ये जो फिटनेस फेयर है जिसमें वी डील विद फिटनेस ऑफ द पीपल वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जरूरी होता है जैसे डाइट होते हो जाए एक्सरसाइज हो जाए जिसके लिए पैसा भी जरूरी हो जाता है लाइक इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज आल्सो नीडेड डोंट यू सी बहुत बहुत जरूरी है जैसे मेरा कभी फाइटर से तो नेशनल इंटरनेशनल फाइट करता है मगर उन लोग का स्पॉन्सर्स नहीं है उन लोग फाइनेंशियली वीक है अभी लड़का एक लड़के का बाहर सिलेक्शन हो गया था वो जा नहीं पाया स्पॉन्सर्स की वजह से क्योंकि स्पॉन्सर्स नहीं कर पा रहे तो ये सब एक इश्यू है यहाँ पे लोग बस एक दो स्पोर्ट्स के पीछे भागा रहता है पूरा आसाम पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा इंडिया भागा रहा है बाकी जो स्पोर्ट्स है वो लोग मतलब उन लोगों को वो सिर्फ उतना देखता नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पोर्ट्समैन के लिए